नमस्कार दोस्तों, मैं अमित, फिर से स्वागत करता हूँ आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी की टाइपिंग क्लासेज। सबसे पहले दोस्तों बता दूँ आपको कि कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम हो तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से ही स्टैंडर्ड कीवर्ड मिलता है। वहाँ पर आपके इंग्लिश कीवर्ड ही होंगे, वहाँ पर आपको हिंदी के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको इसी इंग्लिश कीबोर्ड पर हिंदी की टाइपिंग करनी होगी। लेकिन अगर आप ऑफिस में या फिर घर पर हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनकी जो हिंदी की छोटी चिट जिसे बोलते हैं वो लगा सकते हैं, जिसपे इनके ऊपर अक्सर लग जाएंगे जो कागज़ होता है उसे प्रिंट हो जाएगा चिपक के, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसके जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है तो हिंदी का यहाँ पर अंग भी होता है। इस प्रकार से वो आपको मिल जाएगा बाजार में किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर, वो आप इस पर लगा सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप किसी प्रकार का चिट ना लगाएं, सीधा सा आप इसके ऊपर टाइपिंग करें और याद रखें कौन सी उंगली पर कौन सा कीवर्ड आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसको किस प्रकार से, आज पहली एक्सरसाइज है वो कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले बता दूँ आपको कि जैसे इंग्लिश में भी मैंने, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसके भी वीडियो हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, वापस यहाँ भी बताता हूँ कि आपका जो सारा खेल है वो उंगलियों का होम किक है, कि आपको इन उंगलियों पर होम किक बतानी है। होम किक किसे बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये उंगली सिर्फ इसको अलॉट है यहाँ पर इस लाइन में, ये यहाँ पर है, इसको यहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से, ए एस डी एफ, ये यहाँ पर इनको अलॉट करना है और यहाँ से इनको अलॉट करना है यहाँ से सेमी कॉलन पे, बाद में एल के जे। इंग्लिश में करते हैं तो इस प्रकार हो जाता है ए एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे। अब हिंदी में भी आपको इस प्रकार से करना है, लेकिन जब आप फॉन्ट स्विच करोगे डेवलिस 010 या फिर कुटी देव तो ऑटोमेटिकली प्रिंट वो हिंदी में होगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बता दूँ मैं कि यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आएगा, यहाँ पर होता है ए पर अंग यानी अंग के ऊपर जो बिंदी होती है वो यहाँ पर आती है। तो ये होम की होती है कि जब भी आप टाइप करो तो आप इस प्रकार से टाइप करो। जैसे आप टाइप किया यहाँ से, अगर आपको ये दबाना तो यहाँ दबा के वापस उंगली यहाँ आ रही है, इस उंगली को यूज करना ऊपर जाके वापस उंगली यहाँ आ रही है, तो ये ना होम कीज है। तो इस लाइन की आज जो पहली प्रैक्टिस करेंगे वो अपने इस लाइन की करेंगे, यहाँ पर जो होम कीज है वो कौन कौन सी है, इसके लिए ए एस डी एफ, इनके लिए ये 1 2 3 4। अब इन दो से आपके स्पेस भर दो। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आपको बता दूँ मैं आपको। यहाँ पर होता है आपका अंग, फिर दोबारा स्पेस। अब स्पेस क्यों दोबारा हूँ, क्योंकि दोस्तों गौर से याद रखना कि हिंदी के अंदर बेसिकली 6 डेड की होती है। डेड की किसे बोलते हैं, जैसे अंग है, आपने अंग दबाया तो ये जो बिंदी लगती है उसे डेड की बोलती है, क्योंकि बिंदी लगाने से आपका कर्सर आगे मूव नहीं होता है। तो ऐसी जो चीज़ें जिनको आप टाइप करते हो कर्सर आपका ऑटोमेटिकली आगे मूव नहीं होता, उनको बोलते हैं डेड की। टाइपराइटर के अंदर 7 होती है, हिंदी के अंदर 6 होती है। तो आप इस पर जब भी आप इस पर बिंदी दबाओगे तो अगला जब अक्षर दबाओगे वो इसी को प्रिंट हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका स्पेस लगाना पड़ता है। ये इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, हिंदी में होता है। तो वापस बताऊँ किस प्रकार से टाइप करना है आपको। सबसे पहले ए स्पेस, उसके बाद में एस स्पेस, क्योंकि एस पे होता है आपका ए की मात्रा। ठीक है, उसके बाद में होता है डी, डी पे होता है आपका क, और एफ पे होता है छोटी की मात्रा, बस ऐसे। तो वापस कैसे होगा, ए स्पेस एस स्पेस डी स्पेस एफ। ठीक है, हिंदी में बोले तो अंक की मात्रा स्पेस ए की मात्रा स्पेस क स्पेस छोटी की मात्रा स्पेस। ये एक तरफ लाइन पूरा हो गया। अब इस राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में दोस्तों इस तरफ होता है ये, फिर होता है सै, से सलेट वाला, फिर होता है आ की मात्रा और होता है रे। ठीक है, रे से रवि, ये 4 होते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये स आ रे। अब देखो मैंने यहाँ पर कहीं भी स्पेस नहीं दबाया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेड की नहीं है। रीज़न क्यों, क्योंकि देखो ये दबाएंगे तो भी कर्सर आगे जाएगा, स दबाएंगे तो भी कर्सर आगे जाएगा, आ की मात्रा दबाएंगे तो भी कर्सर आगे जाएगा, रे दबाएंगे तो भी कर्सर आगे जाएगा। तो याद रखना 6 ही है, 6 बताए तो मैं आपको वैसे हलंत, छोटा उ, बड़ा उ, ए की मात्रा, अंग और ग्रह, ग्रह नीचे रह लगता है उसे, ये 6 होते हैं। आगे भी क्लासों में बताऊंगा आपको मैं, फिलहाल आज की जो 2 डेड की हैं वो इस पे अंग की मात्रा और ए की मात्रा है। तो अब इसको इस प्रकार से कैसे करेंगे, ए इधर से दबाया 2 3 4 ऐसे। अब इसको हिंदी में नाम पढ़ते हैं इनका, ये स आ की मात्रा रे। ठीक है, वापस से स्पेस, अब देखो कैसे करते हैं। तो इधर से वापस स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको। अंग की मात्रा, सॉरी, अंग स्पेस ए की मात्रा स्पेस क छोटी की मात्रा स्पेस, ये स आ की मात्रा रे स्पेस, वापस से इधर आओ, अंग की मात्रा स्पेस ए की मात्रा स्पेस क छोटी की मात्रा स्पेस, ये स आ की मात्रा रे स्पेस। अब देखो इस प्रकार से, ठीक है, अंग की मात्रा ए की मात्रा
के छोटी की मात्रा स्पेस ये से आ रे स्पेस। इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 45 मिनट आपको रोज प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, और 4 दिन तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आपके एग्जाम निकट हैं, तो आप क्या करो इसकी स्पीड को बढ़ा दो। आप क्या कर दो 45 मिनट की जगह करीबन 1.5 घंटे या 2.5 घंटे के आसपास इसको आप प्रैक्टिस करिए और 2 दिन के अंदर आपका ये स्पीड हो जाएगा। ध्यान रखना आपके जो हाथ हैं वो एल्बो होने चाहिए, वो आपके वो 90 डिग्री होने चाहिए। आप ऐसी टेबल पर बैठना कि आपके हाथ एकदम 90 डिग्री के एंगल पे हो। अगर हाथ आप ऊपर होंगे तो भी दर्द करेंगे, नीचे होंगे तो भी दर्द करेंगे। तो आप टेबल पे ऐसे प्रकार से यूज करना जहाँ पे आपके हाथ है वो 90 डिग्री एंगल पे हो। दूसरी बात, बोल बोल के करना, जैसे मैंने किया आपको बोल बोल के करना। आपको वापस लास्ट बार बता दूंगा आपको इसके अंदर, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल करेंगे। अंक की मात्रा स्पेस ए की मात्रा स्पेस क छोटा ई की मात्रा, ठीक है। उसके बाद में स्पेस ये से आ रे स्पेस, अब इसको इस प्रकार से करना है आपको। इस प्रकार से अब आप देखते हैं इसका प्रैक्टिकल, किस प्रकार से इसका प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए चलिए दोस्तों बताऊं आपको मैं कि आप जो लेसन फर्स्ट है उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे और लूप टाइपिंग प्रो दोनों पे। तो वर्ड के लिए सबसे पहले आप चेक कर लेना यहाँ पर कि आपके डेवलिस 010 फॉन्ट या फिर कृतिदेव फॉन्ट आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो, तभी आपके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से जाकर आप। उसके अलावा आप जो जो फिगर है इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा कर लेना, ताकि क्या है कि आपको अच्छी तरह विजुअल हो जाए। अब करते हैं देखो पहले डेड की के बारे में। डेड की में होता था अंग डेड की है, इसके बाद में अगर मैं स्पेस नहीं दबाता हूँ डायरेक्ट मैं ए की मात्रा दबाता हूँ तो देखिए इसके अंदर ही टाइप हो जाएगी, तो इसलिए ये कहते हैं कि इसको डेड की है। और अदरवाइज मैं कर दबाऊंगा देखो कर्सर आगे चला जाएगा, तो इन डेड की के कारण अपना कर्सर आगे नहीं जाता है, इसलिए इसके लिए हमें स्पेस लगाना पड़ता है। तो वापस से करते हैं अंग के बाद में स्पेस, ये फर्स्ट टाइम ऐसे आएगा। अब देखिए अंग स्पेस ए की मात्रा, अब देखो आगे आ गया ना स्पेस का छोटी की मात्रा स्पेस, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में य स आ की मात्रा र स्पेस अंग स्पेस ए की मात्रा स्पेस क छोटी की मात्रा स्पेस य स आ र स्पेस अंग स्पेस ए स्पेस क छोटी की मात्रा स्पेस य स आ र स्पेस। अब देखिए इस प्रकार से आप इसको टाइप करें ताकि आपकी टाइप की स्पीड बढ़ेगी। बोल बोल करना ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए आगे जाके। अंग स्पेस ए स्पेस क छोटी की मात्रा स्पेस यस आर स्पेस, तो ठीक है इसमें इस प्रकार से आपको टाइपिंग करना। अब देखते हैं दोस्तों लूप टाइपिंग प्रो में कैसे प्रकार से करते हैं। तो लूप टाइपिंग प्रो में देखो यहाँ पर उन्होंने पहली जो एक्सरसाइज दे रखी है वो उसमें डायरेक्ट उन्होंने इसके सेकंड वाली एक्सरसाइज दे रखी है ताकि बच्चे जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहली करनी है तो वो क्या करना पड़ेगा, माई कंटेंट में चले जाओ। फिलहाल अभी माई कंटेंट में जाके इसको हटा दो। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पहले राइट हैंड से करिए यस आर स्पेस अंग स्पेस ए स्पेस क छोटी की मात्रा स्पेस, वापस से य स आ र स्पेस अंग स्पेस ए स्पेस क छोटी की मात्रा स्पेस। अभी इस प्रकार से आप इसमें प्रैक्टिस करते रहिए, ये आप बोल बोल करोगे तो देखो सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा इससे। अगर आप ये बोल बोल नहीं करते हो तो आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होगी, तो ये ध्यान रखना आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करना। तब ये तो कंप्लीट हो जाएगी, तब नेक्स्ट जो है वो आपको यहीं मिल जाएगा। इसके अंदर स्टार्टर्स करेंगे तब ये देखो पहले के अंदर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करें तो देखो यहाँ पे ये सेकंड वाली आपकी रह तक आता ना, उसको एक आगे वापस से रह, इसमें अगली क्लास में करेंगे। तो फिलहाल आप माई कंटेंट जाके भी कर सकते हो पहली एक्सरसाइज को, और आप चाहो तो वर्ड के अंदर यहाँ पर भी कर सकते हैं पहली एक्सरसाइज को, ठीक है। देखते हैं टेक्नोगुरु अमित को, मिलेंगे हिंदी लेसन के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।